हरे कृष्णा, मैं भक्तिन सुरभि। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सब लोग गीता का पाठ करते हैं या फिर गीता का पाठ करना चाहते हैं या फिर गीता का सम्मान करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि गीता क्या है, गीता हम क्यों पढ़ेंगे, गीता पढ़ने से क्या फायदा होगा, कौन गीता पढ़ सकता है, किस स्थिति में हम गीता का पाठ कर सकते हैं। तो इन सारे क्वेश्चन का जवाब आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करें। तो पहला प्रश्न ये आता है कि गीता क्या है। गीता का हम रोज पाठ करते हैं और यही पता नहीं है कि गीता क्या है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि गीता क्या है। गीता, वेद, उपनिषद, समस्त शास्त्र, जितने भी शास्त्र है, सबका सार गीता है। भागवत गीता में ऐसा बहुत कुछ है जो दुनिया के किसी और शास्त्र में नहीं है। ऊपर से भागवत गीता में ऐसा भी बहुत कुछ है जो दुनिया के सारे शास्त्र में ऑलमोस्ट है। भागवत गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने खुद अर्जुन को दान किया था कुरुक्षेत्र के मैदान। भागवत गीता पढ़ने से हमें ये पता चलता है आत्मा क्या है, हम कौन है, परमात्मा कौन है, भगवान के साथ हमारा क्या रिश्ता है, क्या हमें कर्म करते रहना चाहिए या कर्म का त्याग करना चाहिए। इन सारे क्वेश्चंस का जवाब, इन सारे प्रश्नों का जवाब हमें भागवत गीता का पाठ करने से मिलता है। अब सेकंड प्रश्न ये आता है कि गीता कौन पढ़ सकता है, गीता, भागवत गीता का ज्ञान किसके लिए है। ऐसा बहुत लोगों का मानना है कि भागवत गीता सिर्फ हिंदुओं के लिए है, बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि भागवत गीता में कहीं भी उल्लेख नहीं है कि भागवत गीता का ज्ञान सिर्फ हिंदुओं के लिए है या भागवत गीता का ज्ञान सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान के लिए है। भागवत गीता समस्त मनुष्य जाति, सभी लोगों के लिए। ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है कि सिर्फ हिंदू गीता पाठ कर सकते हैं। ऐसा हम लोगों का अंधविश्वास है। क्या कि एक महिलाएं गीता को नहीं छू सकते, गर्भवती महिलाएं गीता को नहीं छू सकते, कोई भी स्त्री गीता का पाठ नहीं कर सकते, नहीं छू सकते, बच्चे गीता को नहीं पढ़ सकते, फिर कोई और हिंदू धर्म के अलावा कोई और धर्म गीता का पाठ नहीं कर सकते, कोई नीच जाति का है तो वो गीता का पाठ नहीं कर सकता है। बट गीता में क्या ऐसा कहीं भी उल्लेख है कि गीता का पाठ, गीता का ज्ञान सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए है या गीता का धर्म सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पुरुष के लिए है, मेल्स के लिए है, बॉयज के लिए है, ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है। गीता का अंधविश्वास है। गीता अगर घर में है तो हमें अवश्य गीता का पाठ करना चाहिए। ये सब अंधविश्वास हमारे दिमाग से हटाना होगा, क्योंकि गर्भवती महिलाएं अगर गीता का पाठ करते उसके बच्चे के लिए वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। हम प्रहलाद महाराज के क्षेत्र में देख सकते हैं, उनके सिचुएशन में प्रहलाद महाराज का असुर कुल में जन्म हुआ था, फिर भी प्रहलाद महाराज क्या थे, भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त। क्यों? क्योंकि उनकी मम्मी जब वो गर्भवती थी तब उन्होंने भागवतम श्रवण किया था। ठीक उसी तरह अगर कोई गर्भवती स्त्री भागवत गीता का ज्ञान या पाठ करती है जब वो गर्भवती होती है तो उसके बच्चे पे वो अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये सब अंधविश्वास हटाना चाहिए हमारे मन से। और गीता का ज्ञान सबके लिए है, गीता सिर्फ हिंदुओं का बुक नहीं है, गीता सभी के लिए है।
थर्ड क्वेश्चन ये आता है कि चलो गीता का पाठ तो हम लोग कर लेंगे, बट गीता पाठ करते करते हम लोग प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण करते हुए कुछ गलत बोल दिए तो फिर तो भगवान हमें कभी माफ नहीं करेंगे। बट ये हमारे मन का भ्रम है। भगवान श्री कृष्ण हमारे परम पिता है, वो जनार्दन है, वो सभी भक्तों के मन का भाव समझते हैं और उनके सामने हम सब छोटे बच्चे हैं। तो अगर गीता का पाठ करते करते कुछ भी गलत हो गया प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण में, श्लोकास में, तो भगवान श्री कृष्ण जरूर माफ करेंगे। क्योंकि जब कोई बच्चा नया नया बोलना सीखता है और कुछ गलत बोलता है तो उसके पिताजी उसको माफ करता है। वो जब पहला बोलना सीखता है तो एकदम स्टार्टिंग में तो पिताजी वर्ड नहीं बोलता है, धीरे 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 गलती होते होते फिर पिताजी बोलता है। ठीक उसी तरह अगर हम सच्चे दिल से, सच्चे मन से, सच्चे भक्ति के साथ गीता का पाठ करेंगे, अगर गलती होता भी है उसका रिजल्ट हम भगवान श्री कृष्ण के ऊपर छोड़ देंगे, बाकी वो देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि गीता मनुष्य जाति के लिए क्यों? इसका आंसर है भागवत गीता हम मनुष्य जाति के लिए मैनुअल बुक या गाइडलाइन। जब हम नया फोन खरीदते हैं उसके साथ हमें मैनुअल बुक मिलता है। उस फोन में मैनुअल बुक में लिखा हुआ होता है हमें कैसे फोन को यूज करना है, क्या क्लिक करने से क्या होगा। ठीक उसी तरह भागवत गीता मनुष्य जाति का गाइडलाइन है। 84 लाख स्पीशीज घूमने के बाद हमें मनुष्य जन्म मिला है, तो कैसे इस जन्म को हम सही मायने में यूज करेंगे, कैसे इस मनुष्य जन्म को हम सही मायने में यूटिलाइज करेंगे टू इट्स बेस्ट, ये सब भागवत गीता में दिया गया है। चार जो वर्णाश्रम धर्म है, चारों के रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज क्या क्या है सब भागवत गीता में दिया गया है। हमारा आहार क्या है, हम कैसे इस जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो बर्थ डेथ साइकिल है इससे कैसे हमें मुक्ति मिलेगा, हम कौन है, हम क्या कर्म करते रहेंगे या कर्म छोड़ के घर संसार सब छोड़ के चले जाएंगे और हिमालय में जाके तपस्या करेंगे, और अगर हम कर्म करेंगे तो कर्म का जो रिजल्ट होगा उसका हम क्या करेंगे। इन सारे क्वेश्चंस का जवाब सिर्फ और सिर्फ भागवत गीता में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भागवत गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में क्यों दिया था? भगवान श्री कृष्ण तो पांडवों के साथ सर्वदा रहते थे तो वो किसी भी समय पे उनको भागवत गीता का ज्ञान दे सकते थे। बट इसका आंसर ये है कि भागवत गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में इसलिए दिया था क्योंकि युद्ध का जो मैदान है उसको हम जो संसार में रहते उस संसार के साथ तुलना किया गया है, कंपेयर किया गया है। इस संसार में रह के हम सर्वदा युद्ध करते हैं। अब अर्जुन ने बोला भगवान श्री कृष्ण से कि मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा, मतलब वो अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटीज अपने कर्तव्यों से पीछे हट रहा था। बट भगवान श्री कृष्ण ने उसको बोला कि तुम अपने कर्तव्यों का पालन करो, उसका जो रिजल्ट होगा कर्मों का फल उसका तुम रिजल्ट मेरे ऊपर छोड़ो। ठीक उसी तरह इस संसार में हमें कर्म करते रहना होगा, कर्म को छोड़ना नहीं है और कर्म का जो फल है उसका फल कर्म का जो फल मिलेगा उसका रिजल्ट हमें भगवान के ऊपर छोड़ देना होगा, भगवान बाकी देख लेंगे। इसलिए युद्ध के मैदान में पहले ही मैंने बोला है कि भागवत गीता मैनुअल बुक है, गाइडलाइन हम मानव जाति के लिए। तो युद्ध के मैदान में रहकर कर्तव्यों पालन करते करते प्रिस्क्राइब ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पालन करते हुए हमें मैनुअल बुक का हेल्प लेना होगा, मतलब हमें भागवत गीता का पाठ करना होगा जो हमें सही दिशा में जाने के लिए मार्गदर्शन करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भागवत गीता हमें किससे पढ़ना चाहिए? तो भागवत गीता का ज्ञान हमें ऐसे इंसान से लेना होगा जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण का भक्त हो और भागवत गीता का ज्ञान उसने खुद अपने जीवन में अप्लाई किया। ऐसा नहीं कि सिर्फ भागवत गीता पाठ करता हो और खुद अपने जीवन में कुछ अप्लाई नहीं किया हो, भागवत गीता का ज्ञान उसने खुद अपने जीवन में प्रयोग किया है, ऐसे इंसान से हमें भागवत गीता का पाठ करना चाहिए।
जैसे कि फर्स्ट श्लोक भागवत गीता का जो पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युद्धोत्सव मामा का पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय, पहला श्लोक है जो, उसमें क्यों धृतराष्ट्र जिसने इतना छल कपट चतुराई किया है उसको पहला स्थान क्यों दिया गया है भागवत गीता में? क्योंकि धृतराष्ट्र के अंदर एक अच्छा क्वालिटी था, क्या? कि संजय को दिव्य चक्षु मिला था, वो व्यासदेव के शिष्य थे, वो घर में बैठ के देख सकते थे कि कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या हो रहा था। अब धृतराष्ट्र को भी दिव्य चक्षु दान किया गया था पर धृतराष्ट्र ने इनकार किया। उन्होंने बोला मैं देख के क्या करूंगा, मैं तो पहचान ही नहीं पाऊंगा मेरे पुत्र कौन है, पांडु के पुत्र कौन है, इसलिए मैं संजय के माध्यम से सुनूंगा और उसको अच्छे से समझूंगा। ठीक उसी तरह हमें ऐसे इंसान से भागवत गीता का पाठ करना चाहिए, भागवत गीता को श्रवण करना चाहिए जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हो और खुद अपने जीवन में भागवत गीता का ज्ञान उसने प्रयोग किया। तो इसलिए ऐसा बोला गया है कि आप गीता का पाठ करो, क्योंकि ऐसा कहीं भी मतलब लिखा नहीं है या जरूरी नहीं है कि गीता का पाठ करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम है, गीता का पाठ करने के लिए पर्टिकुलर प्लेस में आपको जाना होगा, घर संसार सब छोड़ के आपको हिमालय जाना होगा, वहाँ बैठ के गीता का पाठ करना होगा, किसी से बात नहीं कर सकते गीता पढ़ते टाइम या कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप गीता का पाठ कभी भी कर सकते हो, सच्चे मन से सच्चे दिल से करो, सच्चे भक्ति के साथ पाठ करो। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ गीता का पाठ करो, खुद अपने जीवन में अप्लाई करो। ऐसा नहीं कि रटते जाओ बस गीता के श्लोकास याद करते जाओ और खुद के जीवन में कुछ भी अप्लाई नहीं करो। गीता सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि गीता हमें स्पिरिचुअल लाइफ लीड करने के लिए मार्गदर्शन करता है, आध्यात्मिक जीवन अप्लाई करने के लिए, आध्यात्मिक जीवन पालन करने के लिए मार्गदर्शन करता है, ऐसा कुछ नहीं है। भागवत गीता हमें एथिक्स वैल्यूज ये सब भी सिखाता है, जैसे बड़ों का सम्मान करना, बड़ों का आदर करना, क्या कौन सा सही है क्या गलत है, ये सब गीता हमें, इसका जो वेज है ये सब गीता हमें मार्गदर्शन कराता है। जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं बड़े बड़े प्रोफेशन के लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कोई भी हो बड़े बड़े प्रोफेशन के लोग, वो सारे क्या क्या बड़े बड़े क्राइम्स करते हैं, रेप्स करते हैं, मर्डर करते हैं, तो गीता फिर इतना पढ़ाई करने का, इतना एजुकेशन लेने का, इतना एजुकेटेड होने का, इतने सारे डिग्रीज लेने का क्या फ़ायदा अगर आप इतने बड़े बड़े प्रोफेशन में आके भी मर्डर करते हो, रेप्स करते हो। तो इन सारे क्राइम्स को दुनिया से हटाने के लिए नॉर्मल वैल्यूज, एथिक्स, ये सब बहुत ज़रूरी है ताकि एक इंसान को पता चले कि क्या गलत है और क्या सही है। और कुछ भी गलत करने से पहले अगर कोई गीता पढ़ता है, वो कुछ भी गलत करने से पहले दो बार ज़रूर सोचेगा कि इसका परिणाम इसके बाद क्या होगा, और इसका जो परिणाम है वो सोच के ही वो गलत काम नहीं करेगा। इसलिए भागवत गीता ऐसा नहीं कि स्टूडेंट्स नहीं पढ़ सकते, भागवत गीता सिर्फ बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग ही पढ़ सकते, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ, मैं भागवत गीता का पाठ डेली करती हूँ, क्योंकि भागवत गीता सिर्फ स्पिरिचुअल लाइफ लीड करना ही नहीं सिखाता है, एक हेल्दी पीसफुल लाइफ कैसे हम लीड कर सकते हैं ये भागवत गीता हमें सिखाता है। इसलिए आप लोग डेली भागवत गीता एज इट इज का पाठ करो और हेल्दी स्पिरिचुअल पीसफुल कॉन्शियसनेस के साथ लाइफ लीड। हरे कृष्ण।